भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नगर निगम के वर्कशॉप पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई तथा विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा का पूजा किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर नगर निगम द्वारा वर्कशॉप पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित करने के साथ विधि विधान से पूजन किया गया। हम भगवान विश्वकर्मा से यही कामना करते हैं कि नगर निगम पर आशीर्वाद बनाएं और हम गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफल हों। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, प्रधान देवता महागणाधिपतये नमः संकल्पः। कल युगे कल मोदी आत्मन कल्याणार्थे अस्मिन् स्थाने नगर निगम परिसर क्षेत्रे सर्वे जना सुख शांति कामना हेतवे श्री विश्वकर्मा देवता कृपा प्राप्त्यर्थे अद्य स्थापन पूजन अहम करिष्ये। तत्रादौ गणेश अंबिके वरुणादि कलश नवग्रह षोडश मातृका विश्वकर्मा देवता ध्यानम अर्चनम पूजनम संकल्पम अहम करिष्ये। गणेश जी पात्र आदिजी एक बार जल गिरा देंगे। ओम मा जगागतो दूरमुदयति दैवं चतुष्पदयति दूरंगम ज्योतिकां ज्योतिरे अपने लेके अपने माथे लगाइए, अपने सत्य लगाए रहिए। रक्ष रक्ष गढ़ा दक्ष रक्ष त्रय लोक रक्षका भक्ता नाम अभियम करता भव भगवान वाध्ये मातुर कृपा शनि जय विश्वकर्मा भगवान की जय। विघ्ने विभूषिताय नमो नमस्ते स्मृति कानो सते ओमतमताय सहस्रमूर्त सहस्रपाद पूजा
सूत्र दंडन को सिखलाते आरती से विश्व शरीर से स्नान ध्यान स्वच्छ हृदय कर्पूर जलाए कर्पूर गौराम करुणावतार संसार सारम जगेन्द्रहारम बस वैकुंठ परम पद पाति कीर्ति गाय आरती ओम सबसे पहले तो मैं पूरे गोरखपुर जनपद वासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर आज पूरा नगर निगम परिवार यहाँ पर एकत्र है। हम सबके अभिभावक, मेयर साहब, उपनगर आयुक्त साहब, जोनल ऑफिसर साहब, हमारे इंजीनियरिंग विंग के हमारे साथीगण, सभी लोग यहाँ पर एकत्र हैं और बड़े ही धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। बजरंगबली की हनुमान चालीसा के माध्यम से उनका पाठ किया गया और इसके साथ ही साथ जो है हमारे समस्त जितने वाहन हैं और वाहनों के मरम्मत में काम करने वाले औजारों की उनकी भी विधिवत पूजा हुई। और इस मौके पर मैंने अपने समस्त नगर निगम परिवार के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर जो हमारे गोरखपुर जनपद की भलाई के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इसी पूर्व की भांति भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पूरे नगर निगम परिवार पे बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले समय में पिछले वर्षों की तुलना में और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और शहर को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर गोरखपुर बनाकर ही दम लेंगे।